मॉनसून बारिशों ने फिर रंग दिखा दिया। जुड़वां शहरों में कई घंटों से बारिश, नशेबी इलाके जेरेआब, पानी घरों में दाखिल, 70 से जायद फीडर ट्रिप करने से बिजली भी मुअत्तल। रावलपिंडी में 206 मिलीमीटर और इस्लामाबाद में 170 मिलीमीटर रिकॉर्ड। शहरियों को नलालई से दूर रहने की हिदायत। मैंगोरा में तेज बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी आ गई। रंग बादल जमकर बरसने लगे। लाहौर, सियालकोट, जेहलम समेत मुख्तलिफ शहरों में अबरे गरम बरसने से गर्मी की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैर पख्तूनख्वा में आज से बुध तक मजीद बारिश की पेशगोई। सिंध और बलोचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। लाहौर में दो ग्रुपों के झगड़े के लिए 5 जाने कुर्बान। लाठी ग्रुप की फायरिंग से शाकिर ग्रुप के 3 सगे भाइयों समेत 5 अफराद कत्ल। पुलिस ने मुलजमों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। हाजिर हूँ। सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने के केस में नया पेशावर ने कप्तान को आज 11 बजे बुला लिया। नामजद वजीर आजम अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। खैबर पख्तूनख्वा का कप्तान कौन होगा? नाम आज सामने आने का कवि इम्कान। कप्तान आजम ने सूबे की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज बुला लिया। तमाम 9 मुंतखब अराकीन शिरकत करेंगे। इमरान खान फैसलों पर साथियों को एतमाद में लेंगे। मरकज में पीटीआई ने इमरान खान को वजीर आजम के लिए नामजद कर दिया। खुद मिसाल बनने का ऐलान। नून लीग ने वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को मैदान में उतार दिया। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी करने और इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर कल एहतजाज करने का ऐलान। इलेक्शन 2018 जीतने वाले 800 से जायद खुश नसीबों के नोटिफिकेशन तैयार। आज होगा बाज़ाब्ता ऐलान। कौमी के 14 और सूबों के 16 हलकों के उम्मीदवारों को मजीद करना पड़ेगा इंतजार। लाहौर हाईकोर्ट ने राणा सनाउल्ला के बाद ख्वाजा आसिफ का नोटिफिकेशन भी रोकने का हुक्म दे दिया। इमरान खान का एक और परवेज खटक के 3 हलके भी अदालती फैसलों से मशरूत। अलाजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंसेस की मुंतकली की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस की समाअत आज फिर होगी। एहतसाब अदालत में भी साबिक वजीर आजम के खिलाफ रेफरेंस की समाअत एक बार फिर मुलतवी होने का इम्कान। आज जंग की नौइयत और किरदार बदल चुके हैं। हाइब्रिड वॉर में नौजवान अब हमारे दुश्मनों का बड़ा हदफ है। आर्मी चीफ का आईएसपीआर का दौरा, इंटर्नशिप पर आए नौजवानों से मुलाकात, प्रोग्राम पूरा करने पर मुबारकबाद। मुल्क भर में जश्न आजादी मनाने की तैयारियां। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बाजार कौमी परचमों और झंडियों से सज गए। स्टॉल्स पर लगी झंडियों, बैजेस और दीगर अशिया में बच्चों की खूब दिलचस्पी। फैसलाबाद की कैटल मार्केट में लाल बालचा का राज। भूरे रंग का 3 मन वजनी बकरा हर आंख को भाने लगा, मगर कीमत ज्यादा होने पर कोई खरीद ना पाए। मंडी में साहिवाल, चोलिस्तान और दाजल नस्ल के बकरे भी पहुंच गए।
सऊदी अरब और कनाडा के मामलात मजीद गंभीर हो गए। सऊदी एयरलाइन ने टोरंटो के लिए तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी। कनाडा में जेर तालीम सऊदी तलबा को भी दीगर ममालिक में मुंतकिल करने का फैसला। कैनेडियन हुकूमत भी डट गई। इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाते रहेंगे वजीर खारजा का रद्द अमल। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग तारीख की बदतरीन आग करार। 3 लाख एकड़ अराजी और 70 से ज्यादा रिहायशी इलाके राख का ढेर बन गए। मरने वालों की तादाद 7 हो गई। आबादियों का इनखला जारी। स्पेन में विंड सर्फिंग के मुकाबले तेज लहरों पर सर्फर्स की कमाल महारत दिखाई। फ्रांस की एंथोनी ने उम्दा कारकर्दगी दिखाई तो हरीफों को धूल चटाकर शानदार फतह पाई। स्पेन के शहर मैड्रिड में सजा बच्चों का फैशन मेला। खूबसूरत नन्हे बच्चों ने मौसम की मुनासबत से मलबूसात पहनकर रैंप पर एंट्री की तो हाजरीन ने खूब दाद दी।